एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली की बैठक में कश्मीर के जिक्र से कांग्रेस नेता शशि थरूर पाकिस्तान पर भड़क गए। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हो रही एपीए की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर थरूर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कश्मीर के ताजा हालात को देखते हुए वो अपने यहाँ एपीए की बैठक नहीं करवा सकती है, जिस पर शशि थरूर ने पाकिस्तानी सीनेट के चेयरमैन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए फटकार लगाई। शशि थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां इस प्रकार के हालात नहीं है जिनसे आम जनजीवन पर कोई फर्क पड़ रहा हो। जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। देयर इज नथिंग इन द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर दैट इन एनी वे अफेक्ट्स द लिविंग और वर्किंग कंडीशंस इन हिज कंट्री, लेट अलोन इन इस्लामाबाद। इंडियाज इंटरनल मैटर्स डू नॉट स्पिल ओवर इट्स बॉर्डर्स एंड डू नॉट इंपिंज अपॉन आवर नेबर्स। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से घाटी में बंद मोबाइल सेवाएं आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएंगी। अभी पोस्टपेड मोबाइल पर कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन मोबाइल इंटरनेट के लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है। कश्मीर घाटी में करीब 66 लाख मोबाइल धारक हैं, जिनमें से करीब 40 लाख लोग पोस्टपेड मोबाइल यूजर हैं। लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, ये तो पोस्टपेड इन्होंने अभी चालू किया है, ये प्रीपेड भी होना चाहिए तो तभी फ़ायदा मिलेगा लोगों को। बिजनेस सारा इससे लॉस हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया, तो नेट भी अगर चालू हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। नेट, मोबाइल, कनेक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है, चाहे तिजारत हो, चाहे स्टूडेंट है, चाहे आम इंसान है। जब भी कोई कुल्हाड़ी पड़ती है तो आजकल के नेटवर्क पर पड़ जाती है।